नमस्कार फरीदाबाद, मैं अर्चना गुप्ता और ये मेरी साथी पल्लवी त्यागी। हम लोग जो है आज रॉबिन हुड आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे मैं वार्ड नंबर 28 से कमेटी मेंबर भी हूँ, वार्ड ट्रेनर भी हूँ और हम लोग खुद ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हैं। पर आज हम ये जो कमिश्नर साहब की जो मुहिम हुई है बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद के तहत, इस मेगा ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम लोगों ने जो है NIT 3 का ए ब्लॉक, विडहोम, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और जी ब्लॉक कवर किया है। हमने वहाँ के मार्केट एरियाज़ को भी कवर किया है और हमारे बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे कि वैसे लोग काफ़ी पॉजिटिव थे इस मुहिम को लेकर और वो चाहते थे कि ये मुहिम हो और हमारे एरियाज़ की क्लीनिंग हो। और आज तो MCF ने काफ़ी हद तक जो है नालों की और सैनिटेशन सिस्टम की काफ़ी क्लीनिंग की है, रोड पे पड़े कचरों को भी हटाया गया है। हमने लोगों को उस बात से अवगत कराया, उन्हें हमने बताया कि आपने जो है गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करना है, दो तरह के डस्टबिन्स रखने हैं, आपको अपनी दुकानों पर भी ये करना है और अपने घरों में भी ये करना है। MCF द्वारा हमें कुछ पैम्फलेट्स दिए गए थे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पैम्फलेट पे सारी डिटेल्स लिखी गई हैं, ये भी हमने काफ़ी हद तक जो है बांटी हैं और हमने लोगों को समझाया है कि इसके एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ें, इसको लाइटली ना लें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जितना भी कूड़ा फैल रहा है वो सब हमारे लैंडफिल्स में जा रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो किस तरह हमारी एक छोटी सी भागीदारी इस चीज़ को इतना बड़ा जो है ना इसका सोल्यूशन बन सकता है कि अगर हम गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करें तो गीले कचरे से खाद बन सकती है, बायोगैस बन सकती है और सूखे कचरे को हम रिसाइकिल करके उससे नई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो जो ये कमिश्नर साहब की जो ये मुहिम है उससे मुझे ये आशा है कि हमारा शहर बदल जाएगा, साफ होगा, सुंदर होगा और फरीदाबाद जो आज सिल्वर कैटेगरी में है वो गोल्ड के लिए चुना जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि फरीदाबाद की पब्लिक इस मुहिम में हमारा साथ देगी और पूरा सपोर्ट देगी। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है, हम ऐसे लोगों के भी वी केम अक्रॉस की जो कहते हैं हम 2 मिनट भी नहीं है हमारे पास आपकी बात सुनने के लिए। तो हमने उन्हें समझाया कि भाई हम खुद वॉलंटियर्स हैं, हम आपको ये बताने के लिए हैं, हम इस एरिया के भी नहीं हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर कॉन्ट्रीब्यूट करें और आप जो है बताएं कि भाई अपने घरों में ये काम करें। तो मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़, आपके पास कोई आता है तो आप एटलीस्ट 2 मिनट के लिए उसकी बात तो सुने कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो सिर्फ इतना सा ही है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करें और अपने शहर को साफ करने में इस मुहिम को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।